एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज से हम स्टैंडर्ड 9 मैथमेटिक्स में लेसन 1 स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स, और ये है स्टेट बोर्ड के बुक से। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेट्स की डेफिनेशन क्या है, सेट्स किसे कहते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू सेट ये जो कंसेप्ट है इसमें हम कौन कौन से वर्ड्स का यूज कर सकते हैं आगे चल के, मतलब किसे हम सेट्स कहेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे सेट्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखो कि आपकी कॉपी में आपके नोटबुक में दिया है कुछ डायग्राम्स दिए हैं, उसमें फर्स्ट है फ्लावर ऑफ बुकेट, ओके, फिर है बंच ऑफ कीज, फिर है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पाइल ऑफ नोटबुक्स, फ्लावर बुके, ओके, फिर है कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो अब इनमें अगर आप देखो फ्लावर बुके, तो बुके में सभी फ्लावर्स है, फिर सेकंड बंच ऑफ कीज यानी कीज का जो कलेक्शन है उसको हम बंच कहते हैं, फिर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, एक साथ बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ बर्ड्स हो गया, तो दैट इज फ्लॉक कहेंगे। फिर है पाइल ऑफ नोटबुक्स, तो नोटबुक्स एक के ऊपर एक रखे हैं, ठीक है, दैट इज द पाइल। फिर है कलेक्शन ऑफ नंबर्स, अलग अलग तरह के यहाँ पे नंबर्स दिए उसको हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो अब ये जो सभी है दीज आर द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऐसे जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसको हमने यहाँ पे नाम दिए, बुके का मतलब फ्लावर का कलेक्शन है तो बुके हो गया, फिर कीज का कलेक्शन है तो बंच हो गया, फिर बर्ड्स का कलेक्शन है तो फ्लॉक हो गया, नोटबुक्स का कलेक्शन को हम पाइल कहेंगे, और फिर ये हो गया कलेक्शन ऑफ नंबर्स, नंबर्स के कलेक्शन को हम कलेक्शन ही कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो वर्ड आया है ये वर्ड्स रेफर करते हैं कलेक्शन को, और ऐसा जो कलेक्शन होता है इसको हम कहेंगे सेट। तो सच टाइप ऑफ कलेक्शन इज नोन एज सेट। अब जैसे दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज है और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ये दो एग्जांपल्स आपके बुक से लिए हैं। अब हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज, विलेज में चिल्ड्रन हैप्पी है तो उनका एक ग्रुप बन गया, कलेक्शन हो गया, लेकिन हैप्पी और क्लास के ब्रिलियंट स्टूडेंट ये दोनों वर्ड्स डिफर है। तो वो कैसे डिफर है, पर्सन टू पर्सन ये वैरीज होते जाते हैं, तो हैप्पी अलग अलग वजह से हो सकते हैं, ठीक है, और फिर ब्रिलियंट हम ब्रिलियंसी अलग अलग तरीके से उसकी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई किसी पढ़ाई में ब्रिलियंट होता है, कोई खेलकूद में ब्रिलियंट होता है, इस तरह से। तो इसका मतलब ये जो हैप्पी और ब्रिलियंट, दिस टू वर्ड्स आर नॉट रिलेटेड विद सेट्स, तो इसको हम सेट्स नहीं कहेंगे। कुछ और एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं और पूछा है कि क्या इनमें से सेट्स कौन से। अब सेट्स कौन से होते हैं, जो उसके वेल डिफाइंड है, मतलब एक कलेक्शन होता है, मतलब उसमें सर्टेनिटी होती है, निश्चितता होती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेट, ऐसा ग्रुप ऑफ कलेक्शन जो एक वेल डिफाइंड हुआ है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो कुछ डेज ऑफ वीक है, अब डेज ऑफ वीक कौन से है, डेज ऑफ वीक है जैसे फर्स्ट हम देखते हैं तो मंडे ट्यूसडे, ठीक है, वेडनसडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे और संडे। आप किसी को भी पूछो तो डेज ऑफ वीक पूछो तो आपको यही आंसर मिलेगा। अब इसमें एक वेल डिफाइंड ये कलेक्शन हो गया ना, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, हाँ कोई बताते समय कोई पहले बताएगा, कोई वीक मतलब डेज बाद में आएगा, वो चलता है, लेकिन यहाँ पे जो कलेक्शन बनता है वो एक सर्टेनिटी होती है उस कलेक्शन में, तो इसको हम कहेंगे सेट, ये बन जाता है एग्जाम्पल सेट का, ठीक है। फिर है दूसरा ब्रेक मंथ्स इन अ ईयर, अब मंथ्स या ईयर अगर आप लिस्ट बनाओगे तो वही लिस्ट हर कोई सेम लिस्ट बनाएगा, है ना, तो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, कोई भी लिस्ट बनाएगा मंथ इन अ ईयर की तो इसी तरह से बनाएगा। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, इसमें ना कोई मंथ कम होगा ना कोई बढ़ेगा, है ना, तो सबका आंसर ये आएगा। तो ये वेल डिफाइंड एक कलेक्शन हो गया, ये डाटा हो गया, ठीक है, तो ये कन्फर्म डाटा है, तो जो कन्फर्म होता है दैट इज द उसको हम सेट कहते हैं, मतलब कन्फर्म डाटा होना चाहिए, सो दिस इज द ऑल्सो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये भी सेकेंड एग्जाम्पल हो गया सेट का एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल भी सेट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। फिर थर्ड देखते हैं हम ब्रेव चिल्ड्रेन इन द क्लास। अब आपके क्लास में ब्रेव चिल्ड्रेन कुछ कौन से है, किसी को पूछा
तो वो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जिसकी वजह से वो बताएंगे, दो तीन स्टूडेंट के नाम बताएगा कि ये, या फिर बॉयज़ के या गर्ल्स के किसी के भी दो तीन नाम बताएगा, किसी और को पूछे तो वो किसी और के बताएगा। मतलब हर कोई स्टूडेंट अपने अपने एक्सपीरियंस से किसी और का नाम सजेस्ट कर सकता है कि ये ब्रेव है। तो यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि कौन ब्रेव है ना, उसका कोई ऐसा फिक्स डाटा नहीं है। इट मीन्स दैट ये जो है पर्सन टू पर्सन ये वैरी होता है, चेंज होते रहता है। अब ऐसा डाटा जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, क्योंकि ये जो ब्रेव है, ये जो वर्ड है, ये क्वालिटी है, ठीक है। तो ऐसे जो क्वालिटी होता है दैट इज नॉट सेट, तो ये सेट नहीं है, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन होगा दैट इज नॉट सेट। फिर एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। अब फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स अगर आप किसी को भी पूछो तो कौन से रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसके अलावा और फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर पूछा तो हर कोई यही 10 काउंटिंग नंबर बताएगा, यानी ये भी डाटा कन्फर्म है, फिक्स है। तो ये भी हो जाएगा सेट का एग्जाम्पल। फिर है स्ट्रॉन्ग फोर्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, अब इसका कोई फिक्स ऐसा डाटा नहीं है। मतलब मेरी नज़र में ये फोर्स स्ट्रांग है, वो है रायगढ़ है, सिंहगढ़ है, या भी जो भी है, या फिर किसी और के लिए और कोई स्ट्रांग फोर्स हो सकता है उसके नज़रिए से। इसका भी कोई फिक्स डाटा नहीं है, तो मतलब ये कन्फर्मली हम नहीं बता सकते। ये भी पर्सन टू पर्सन वैरी होता है, ठीक है। दैट्स वाई ये स्ट्रांग फोर्स महाराष्ट्र ये भी सेट का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसको भी हम लिखेंगे नॉट सेट। फिर है प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम की अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो कहाँ से शुरू होती है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, फिर है मार्स, फिर है जुपिटर, जुपिटर, फिर है सैटर्न, फिर है यूरेनस और फिर है नेपच्यून। क्योंकि इसमें से प्लूटो को हटा दिया है इस लिस्ट में से, उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। तो ये हो गई ये लिस्ट है। अब हर कोई यही नाम बताएगा, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ओके। तो ये कंफर्म डाटा है, तो इसको भी हम कहेंगे ये सेट का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमने अभी देखा आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिए थे उसमें से कौन से सेट है वो। अब इस तरह से सोचो कि और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे नंबर्स के बारे में देखो, ठीक है। सेट ऑफ इवन नंबर हो सकता है, सेट ऑफ टू डी इवन नंबर हो सकता है, ठीक है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इस तरह से नंबर्स के भी अलग अलग सेट हो सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि कौन से सेट है और कौन से सेट्स हम नहीं कह सकते। सेट की डेफिनेशन क्या है, इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ गिवन कलेक्शन देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। किसी भी तरह का कलेक्शन किया है एक ही तरह का, और उस कलेक्शन में जो मेंबर्स है, जो एलिमेंट्स है, या फिर हम जो पार्टिसिपेंट है उस कलेक्शन के अंदर, है ना, तो वो कलेक्शन अगर डेफिनेट है और क्लियरली हमें पता चलता है कि इस किस चीज़ का कलेक्शन है, किस ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, तो उसको हम कहते हैं सेट, ओके। अब सेट जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, मतलब कैपिटल ए से लेटर कैपिटल जेड तक कोई भी लेटर का आप यूज कर सकते हो सेट को डिनोट करने के लिए, ठीक है। और उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं, जो मेंबर्स रहते हैं, जो पार्टिसिपेंट होते हैं, उसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक के लेटर से, ठीक है। तो ध्यान में रखना है सेट को डिनोट करेंगे हम कैपिटल लेटर से, और सेट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स जिसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, उसको हम शो डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए कोई भी एक सेट है, और उस सेट ए के अंदर एक एलिमेंट है ये। अब सेट ए का पार्ट हो गया ये, है ना, सेट ए का पार्ट हो गया एलिमेंट ये। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको बताएंगे कैसे, तो वो ऐसे बताएंगे ये बिलोंग्स टू ये, इसको इस तरह से रीड करते हैं, ये इस तरह से सिंबल देना है आपको, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और अगर मान लो कि ये सेट ए का पार्ट नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरह से हमें इसको शो करना है, जैसे हम नॉट इक्वल टू शो करते हैं उसी तरह से यहाँ पे इस तरह से नॉट बिलोंग्स टू यानी डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इसको कैसे रीड करना है, ये बिलोंग्स टू कैपिटल ए,
या फिर सेट ए, ये बिलोंग्स टू सेट ए, इसको कैसे रीड करेंगे, ये डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं। अब आपको पता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो नेचुरल नंबर्स का अगर हमें सेट लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर हम कैपिटल एन से दिखाते हैं हमेशा, सो एन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। तो नेचुरल नंबर कौन से है, 1, 2, 3, 4 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब ये जो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो इन्फाइनाइट है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से क्लोज करेंगे फिर यहाँ पे, तो ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फिर अगर हमें होल नंबर्स का सेट करना है तो होल नंबर्स हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू फिर कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से और फिर सभी नेचुरल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 कॉमा डॉट 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 एंड सो ऑन। ये हो गया सेट ऑफ होल नंबर्स। फिर इंटेजर्स, अब इंटेजर्स आपको पता है जीरो के पहले के नंबर, जीरो के बाद के नंबर्स। ठीक है, तो वो भी इनफाइनाइट है, सो फिर हम कर्ली ब्रैकेट देखेंगे डॉट 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 कॉमा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये हो गया सेट ऑफ इंटेजर्स। ओके, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटेजर्स। इसी तरह से आप अगर रैशनल नंबर का आपको सेट शो करना है तो हम क्यू से डिनोट करते हैं, और रैशनल नंबर में सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटेजर्स इंक्लूड होते हैं। साथ में उसमें ए अपॉन बी टाइप के भी नंबर्स होते हैं जिसमें बी नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ओके, उसके बाद रियल नंबर्स अगर हमें शो करना है रियल नंबर का सेट, तो वो हम दिखाते हैं कैपिटल आर से, और रियल नंबर के सेट में ये सभी आते हैं। ठीक है, अब ये सभी रियल नंबर में आते हैं, मतलब एल बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया, डब्ल्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया, आई बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया, क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया, एंड नेचुरल नंबर्स आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर में होते हैं, होल नंबर्स बिलोंग टू रियल नंबर्स, मतलब सभी होल नंबर्स रियल नंबर में आते हैं, इंटेजर्स बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब सभी इंटेजर्स रियल नंबर में आते हैं, और ये हो गया रैशनल नंबर्स, सभी रैशनल नंबर्स आर इन रियल नंबर्स, तो रैशनल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बिलोंग्स टू के जरिए भी इसको समझ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है इन सेट्स को। इसके अलावा जो सेट्स है, जैसे आपको मैंने कहा राइट फर्स्ट, मतलब सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो इसके लिए कोई डेफिनेट ऐसा लेटर नहीं यूज करते हम, तो उसके लिए हम कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सी लिया, सी इक्वल टू लिखा है इस तरह से यहाँ पे 2, 5, 7, 11, 13, ये हो गया एक सेट। अब आप इस सेट को देखो गौर से, तो ये आपको दिख रहे हैं प्राइम नंबर्स, तो ये फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स है, तो सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अगर मैं आपको पूछा कि 4 सी से बिलोंग करता है क्या, तो हम क्या लिखेंगे, 4 डज नॉट बिलोंग टू सी, है ना। लेकिन हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, 2 बिलोंग्स टू सी, उसी तरह से 5 बिलोंग्स टू सी सेट सी, 7 बिलोंग्स टू सेट सी, 11 बिलोंग्स टू सेट सी, 13 बिलोंग्स टू सेट सी। सो ये सभी एलिमेंट जो है ये सेट सी के पार्टिसिपेंट है, एलिमेंट्स है, उसलिए हम इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। सेम इसको भी हम ऐसे ही बता सकते हैं। लेकिन अगर मैंने पूछा 0 नेचुरल नंबर्स का पार्टिसिपेंट है या नहीं, मेंबर्स है या नहीं, एलिमेंट है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरह से हमें इसको यहाँ पे समझना है। नाउ वी विल सी हाउ टू राइट सेट्स। तो सेट्स लिखने के मेथड्स कौन से, सो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, वो कौन से, नंबर 1 लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, इसमें हम लिस्ट बनाते हैं, और सेकंड है रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। ध्यान से सुनो, फर्स्ट मेथड कौन सी है, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, ये हो गए सेट लिखने के पहले मेथड। सेकंड मेथड है रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। अब लिस्टिंग मेथड में किस तरह से सेट को लिखा जाता है, और रूल मेथड में या सेट बिल्डर मेथड में किस तरह से हम सेट को लिख सकते हैं, वो अभी देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, लिस्टिंग मेथड में एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। अब 1 और 10 के बीच में जो ऑड नंबर्स है वो आपको पता है,
उन ऑड नंबर्स को हमें लिस्ट बना के यहाँ पे उसका सेट बनाना है। तो सेट बनाने से पहले तो हम उसको सेट का नाम दे देते, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा, ए इक्वल टू, यहाँ पे सेट लिखते समय हम कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिखते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, वन और टेन के बीच में जो ऑड नंबर है उसको लिखेंगे। तो पहला तो ऑड नंबर है 3 है, फिर 5 है, 7 है और 9 है। अब इसमें आप देखो कि 1 और 10 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमें लिखने हैं, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ऑर्डर चाहे आप चेंज कर सकते हो, ऑर्डर कैसा भी वो मायने नहीं रखता, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसमें से कोई भी नंबर्स या एलिमेंट्स, हम यूज करेंगे वर्ड एलिमेंट, छूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम ये लिस्ट मेथड बनाते हैं, लिस्टिंग मेथड बनाते हैं, इसको हम रोस्टर मेथड भी कहते हैं। अब आते हैं रूल मेथड, और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखना है, जैसे अभी कोई एक और एग्जांपल लिया मैंने, जैसे रिमेंबर वर्ड है, आर ई एम ई एम बी ई आर। अब इस रिमेंबर वर्ड में हमें कहा है कि इसके जो लेटर्स है उसका सेट बना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आर दो बार आया है, ई तीन बार आया है, एम दो बार आया है, बी एक बार आया है। तो जब कोई एलिमेंट्स रिपीट होते हैं तो उन रिपीटेड एलिमेंट्स को हमें उतनी बार नहीं लिखना है, हमें सिर्फ एक बार ही उसको लिखना है। तो कैसे, अब रिमेंबर वर्ड का अगर हमें सेट लिखना था, हम यहाँ पे जैसे मैंने बी लिखा, बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, तब आर लेटर है, फिर ई लेटर है, फिर एम लेटर है और फिर बी लेटर है। इन चार लेटर्स के अलावा और कोई नया लेटर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमें रिपीटेड नहीं करना है उन एलिमेंट्स को। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि लिस्टिंग मेथड में सेट बनाते समय किसी भी एलिमेंट को हमें रिपीट नहीं करना है। फिर सेकंड मेथड देते हैं, रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। अब इसमें एग्जांपल देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 और 10। अब इस एग्जांपल का हमें यहाँ पे सेट बनाना है। तो नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 और 10 कौन से है, वो आपको पता है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब इसमें हमें ये लिस्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये समझने के लिए हम कर रहे हैं। तो हमें सेट का पहले तो नाम देखना है, तो मैं कोई भी एक नाम ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया, ये इक्वल टू। अब रूल मेथड में या सेट बिल्डर मेथड में हम जब भी यहाँ पे बनाते हैं सेट, तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट है, तो हमारे ये सभी एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के लिए हम एक जनरल वेरिएबल ले लेते हैं। तो मान लीजिए इन सब के लिए मैंने वेरिएबल ले लिया एक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे फिर एक्स। अब एक्स क्या है उसको हमें प्रॉपर्टी आगे बताना है कि इनमें एक्स क्या है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से लाइन लेते हैं, या फिर हम दो कॉलम भी ले सकते हैं, कॉलम मार्क्स भी ले सकते हैं। तो एक्स सच दैट, इसको कहेंगे सच दैट, एक्स सच दैट। तो एक्स क्या है, एक्स एक नेचुरल नंबर है ना, ये सभी नेचुरल नंबर है, तो एक्स नेचुरल नंबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू एन, कैपिटल एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू एन। लेकिन एक्स सिर्फ 2 से लेकर 9 तक में से कोई एक नंबर है, वो 2 के पहले की नहीं है और 9 के बाद की भी कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो एक्स फिर इनमें से है ये हमें, और उसमें स्पेसिफिकली बताना है, वो प्रॉपर्टी उसकी बताना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे देंगे कॉमा और फिर एक्स का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि एक्स क्या है। तो इसमें एक्स क्या है, एक्स 1 से ग्रेटर है, एक्स क्या है 1 से ग्रेटर, तो ऐसे लिखेंगे, और 10 से स्मॉल है तो लेस देन 10, इस तरह से हमें यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी ये हमें बतानी है, एक्स क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, कैसे लिखेंगे, 1 लेस देन एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 10, तो इस तरह से हमें इसको शो करना है, 1 लेस देन एक्स लेस देन 10। तो एक्स क्या है, 1 से ग्रेटर है और 10 से स्मॉलर है। तो इस तरह से हमें सेट बिल्डर मेथड या फिर रूल मेथड में सेट किस तरह से बनाना है वो अभी हमने सीखा, और यहाँ पे दो एग्जांपल्स हम देखते हैं, इन दोनों एग्जांपल्स को हम सेट बिल्डर मेथड से किस तरह से लिखना है वो यहाँ पे हम देखेंगे। अब देखो, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 और 10, 1 और 10 के बीच में जो प्राइम नंबर्स है उसकी पहले हम लिस्ट बनाते हैं, वो कैसे, तो उसको हम कोई भी एक लेटर नाम दे देंगे, सेट का ए दिया। अब 1 और 10 के बीच में कौन से प्राइम नंबर्स हैं, सबसे पहले है 2, 3, 5, 7, कंप्लीट, बस इतने ही है, ठीक है। अब इस ये हो गई इसकी लिस्टिंग मेथड, अब या रोस्टर मेथड कहेंगे। अब इसको हमें लिखना है
सेट बिल्डर मेथड से। तो सेट बिल्डर मेथड से कैसे लिखेंगे, अब हमने सेट का नाम वैसे रखा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी, उसके लिए कोई वेरिएबल लेना है और फिर उस वेरिएबल की प्रॉपर्टी बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिया, अब मैं वेरिएबल लेता हूँ एक्स, तो एक्स सच दैट, तो उसके लिए एक तो आप स्टैंडिंग लाइन निकालो या फिर इस तरह से कॉलन करो, तो एक्स सच दैट, ओके। एक्स क्या है, तो एक्स एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं कि एक्स इज अ प्राइम नंबर, ओके, क्योंकि प्राइम नंबर्स के लिए यहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिक लेटर नहीं है। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर, और एक्स क्या है तो कॉमा देंगे, एक्स क्या है, कैसा है, तो विच इज लेस देन, मतलब एक्स कैसा है, वन से ग्रेटर है और टेन से स्मॉल है, ओके। तो इस तरह से हमें इसको यहाँ पे लिखना है। तो एक्स ऐसी प्राइम नंबर है जो वन से ग्रेटर है और टेन से स्मॉल है, यानी इस ग्रुप में से कोई भी नंबर एक्स हो सकती है। तो इस तरह से हमें इसको यहाँ पे लिखना है, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन, एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन वन एंड टेन, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर है सेकंड एग्जांपल, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स हम क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से, ठीक है। अब रैशनल नंबर में कौन से आते हैं, सभी नेचुरल नंबर आते हैं, सभी होल नंबर आते हैं, सभी इंटीजर्स आते हैं, और ऐसे भी नंबर आते हैं जो पी अपॉन क्यू टाइप के हो, जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और इसमें क्या होता है, पी और क्यू क्या रहते हैं, इंटीजर्स रहते हैं, यानी आई रहते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर टाइप के अगर रैशनल नंबर लिए तो उसमें न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर्स रहेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये सभी का कलेक्शन जो है दैट इज द रैशनल नंबर। अब हमें इसका सेट बिल्डर मेथड से कैसे लिखना है, तो हमें रैशनल नंबर का अगर सेट बताना है तो हम कैपिटल क्यू से लिखेंगे क्यू इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट सच दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेटर्स यूज करेंगे पी और क्यू, तो पी अपॉन क्यू ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। सो वी विल राइट हियर पी अपॉन क्यू सच दैट पी कॉमा क्यू, अब पी अपॉन क्यू सच दैट, तो पी और क्यू क्या होने चाहिए, पी अपॉन क्यू बिलोंग्स टू आई, तो पी बिलोंग्स टू आई हो गया, क्यू बिलोंग्स टू आई, बट क्या नहीं होना चाहिए, कॉमा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्यू अगर जीरो हो गया तो वो मतलब डिफाइन नहीं हो सकता जीरो से डिवाइड करना। तो इस तरह से सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम सेट बिल्डर मेथड से लिख सकते हैं। तो इस तरह से और भी कुछ एग्जांपल्स है जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गॉट इट।